स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की साइट संपदा के लगातार सर्वर डाउन होने के चलते जहां पूरे मध्य प्रदेश के समस्त सेवा प्रदाता संघ प्रदेश व्यापी हड़ताल पर है, जिसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही पिछोर में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां सभी सेवा प्रदाताओं ने आज के दिन ना ही कोई पंजीयन कार्य किया और ना ही कोई लेखन कार्य किया और ना ही कोई स्लॉट की बुकिंग गई। इस हड़ताल में गौरव कुमार पाठक, राम कुमार शर्मा, अक्षय कुमार भट्ट, योगेंद्र पुरोहित, विजय तिवारी, नंद किशोर केवट, सुनील शर्मा, नवीन जैन आदि उपस्थित रहे। आज आप सभी सेवा प्रदाता यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने, क्या है मामला? MPIER का लगातार सर्वर डाउन चल रहा है करीब एक महीने से। सभी सेवा प्रदाता एक महीने से लगातार परेशान है रजिस्ट्री करने में। एक एक रजिस्ट्री को कम से कम 3-3 दिन लग जाते हैं और कई सेवा प्रदाताओं का पैसा भी फंस गया है उसमें, साइट खराब चलने के कारण। इस कारण आज मध्य प्रदेश प्रदेशव्यापी हड़ताल रखी गई है। आज सभी सेवा प्रदाता मध्य प्रदेश के 16 जनवरी 2023 को अपने राष्ट्रीय कार्य से व्रत रहेंगे। आज कोई भी सेवा प्रदाता कार्य नहीं करेगा। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल है? पूरे मध्य प्रदेश की हड़ताल रखी गई है। उसी क्रम में आप लोग भी हड़ताल में? हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। आगे कल मतलब आगे के क्या प्रोग्राम? आगे का फिर प्रदेशव्यापी हड़ताल और आगे बढ़ाएंगे यदि सर्वर ठीक नहीं होता है तो। आंदोलन को बड़े रूप में करेंगे क्या? जैसा हमारे अध्यक्ष का आदेश रहेगा उस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज आप सभी सेवा प्रदाता हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है आपकी मुख्य मांगे? जैसा कि पूरे प्रदेश को और हम सभी को जानकारी है कि 2015 से पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रियाँ होती थी और 2015 के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई। जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई हैं समस्या तो जब से ही है, लेकिन 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या है। पेमेंट अटकना, रजिस्ट्रियाँ सही तरीके से नहीं होना। तो आज 16 जनवरी के दिन समस्त मध्य प्रदेश के सेवा प्रदाता प्रदेशव्यापी एक धरने पर बैठे हैं, प्रदेश जो संघ है हमारा, और तमाम हो रही समस्याओं के लिए आज हमने प्रदेशव्यापी संघ ने हड़ताल की है।